में जब कोविड की आहट हुई तब इसकी भयंकरता या इसकी कठिनाई को लोग नहीं समझ पा रहे थे। जो लोग लगातार देश दुनिया की खबरों से जुड़े हुए थे वो इसकी मुश्किलों को समझ रहे थे, या जिनके परिचित विदेशों में थे वो इस महामारी के बारे में समझ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की तब लोग आशान्वित थे कि शायद हम इस बीमारी पर काबू पा जाएंगे और इसको जल्दी रिकवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोबारा अपनी कोशिश की और देश के विभिन्न स्थानों पर या राज्यों में उन्होंने जिस तरह से कवायद की इस महामारी से लड़ने के लिए वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में भी इस वक्त कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुका है। अभी हमारे देश में इस वक्त इस बीमारी का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लोग मर रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन वो लोग कुछ लोग अपनी गलती से मर रहे हैं और कुछ लोग अपनी नासमझी से। कोविड-19 का जो फैसला लॉकडाउन का बढ़ने का वो बहुत सही रहा। इस देखिए जब भी कुछ महामारी आती है तो उसमें कुछ गरीब लोग पिसते हैं, कुछ अमीर लोग पिसते हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी आई कि इसने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये महामारी मोदी की या किसी प्रधानमंत्री की या किसी राज्य के मंत्री ने तो लेकर आया नहीं गया यहाँ देश में। ये महामारी अचानक आ गई और फैल गई है, तो इसमें सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है कि सरकारें अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम घर में बैठे हैं तो घर बैठ कर सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है ये इस बीमारी से जूझते हुए हमें 6-7 महीने निकल जाएंगे। जैसे हम पुरानी बीमारियों से एड्स का हुआ था या और दूसरी बीमारियों का था उससे हम जीत गए हैं, तो इससे भी जीत जाएंगे। वैक्सीन अपने अंतिम स्तर पर है, काम कर रहा है, और मुझे लगता है हमारे देश में ही सबसे पहले वैक्सीन बनेगी। अमेरिका भी अपनी कवायद कर रहा है, दूसरे देश अपनी कवायद कर रहे हैं। कोविड-19 के लिए लॉकडाउन का बढ़ना अभी और बेहद 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 जरूरी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।